दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल को तानाशाह कहा और उन्हें समांतर सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। सिसोदिया का यह बयान बैजल की मीटिंग के बाद आया। यह मीटिंग दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर हुई थी। इसमें दिल्ली सरकार का कोई मंत्री उपस्थित नहीं था। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, एलजी सर तानाशाह की तरह मत करिए, यह दिल्ली में समांतर सरकार चलाने के बराबर है, यह गैर कानूनी है। आपके पास कोई पावर नहीं है कि आप चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र पर मीटिंग बुलाएं। संविधान के मुताबिक आप सिर्फ चुनी हुई सरकार से विचारों पर मतभेद जाहिर कर सकते हैं। संविधान का सम्मान कीजिए। दिल्ली उपराज्यपाल के साथ दिल्ली सरकार की कभी नहीं पटी, इसलिए कई विवादों में दिल्ली सरकार से उपराज्यपाल की खटकती रहती है। मनीष सिसोदिया ने एलजी को तानाशाह बताना, सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार की कोई भी मंशा पूरी नहीं हो पाती, इसलिए मनीष सिसोदिया का गुस्सा एलजी पर निकल रहा है। एसपीएन नैनीजुर्म की रिपोर्ट।